नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसेट न्यूज इंडिया और मैं हूँ आपके साथ निधि झा। हाजिर हूँ एक बार फिर टॉप 10 खबरों के साथ। नजर डालते हैं देश विदेश की मुख्य सुर्खियों पे। लोकसभा चुनाव 2024, आंध्र प्रदेश के सीएम बोले मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण हर हाल में जारी रहेगा। YSRCP का ये अंतिम फैसला। पीएम मोदी बोले नकली शिवसेना मुझे जिंदा गाड़ना चाहती है। कांग्रेस कहती है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये गाली देते हुए भी तुष्टीकरण करते हैं। नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में 2 लोगों को उम्र कैद, मास्टरमाइंड माने जा रहे डॉक्टर ताबड़े समेत 3 बरी। पुणे के कोर्ट ने 11 साल बाद फैसला सुनाया। 4 धाम यात्रा शुरू, केदारनाथ यमुनोत्री के कपाट खुले। पहले ही दिन भारी भीड़ प्रशासन के लिए चुनौती बनी। सीएम धामी ने दर्शन किए। अखिलेश के लिए प्रचार करने पहुंचे राहुल गांधी, कहा मोदी डर गए हैं। अडानी अंबानी से कह रहे मुझे बचाओ, वे 2024 में पीएम नहीं बनेंगे। केजरीवाल की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला। कोर्ट ने कहा था लोकसभा चुनाव असामान्य परिस्थिति, ईडी की दलील प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं। पंजाब में अमृतपाल के चुनाव लड़ने पर हाईकोर्ट का फैसला, कहा डिब्रूगढ़ जेल सुप्रिंटेंडेंट सोमवार तक पूरा करवाए नॉमिनेशन प्रोसेस। मालदीव से लौटे सभी भारतीय सैनिक, विदेश मंत्री के भारत दौरे के बाद घोषणा। मोइजू ने 6 महीने में पूरा किया इंडिया आउट एजेंडा। अमेरिका बोला भारत को ठीक करना हमारी जिम्मेदारी नहीं। लोकसभा चुनाव में दखलअंदाजी के आरोपों पर दी सफाई, कहा हम रुकावट नहीं डाल रहे। IPL 2024 का गणित, पंजाब किंग्स प्लेऑफ रेस से बाहर, हर्षल बने टॉप विकेट टेकर। आज हारी तो बाहर होगी गुजरात टाइटंस। ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें। मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए SMZ News India।